తోపు అందరం नमन बेटा वो सारी सारी रात रोती है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती है, उसे अपनी गलती का एतराफ है लेकिन उस पागल को वक्त को वापस मोड़ने का हुनर नहीं आता। तो मैं क्या करूं? मैंने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो इस तरह करेगी मेरे साथ। सबको रद्द करके हमेशा उसकी बात सामने रखी मैंने, उसे सच्चा माना, एतबार का नाजायज फायदा उठाती रही, धोखा देती रही मुझे। हो गई ना गलती, माफ कर दो बेटा उसको, ये लो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज आप ये सब मत करें। शायस्ता हमारे बच्चे बड़े नादान निकले, अंदाजा ही नहीं दिल से जुड़े रिश्ते इतनी आसानी से टूटते नहीं है। राहिला ने जो कुछ किया लेकिन उसे दिल से नुमान को अपनाया। राहिला आपने किए पे शर्मिंदा है और नुमान राहिला को माफ ना करके उससे बड़ा गुनहगार बन रहा है। ये तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा भाभी। सुनेगा शाइस्ता, इस वक्त ये शैतान की आवाज को दबा नहीं पा रहा जो मियाँ बीवी के बीच में फसाद कर कर खुश होता है। जब शैतान की आवाज को दबा पाएगा तो उसके दिल में राहिला की हक की आवाज उठी। मेरी बेटी का घर उजड़ने से बचाने भागी उस पागल को तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हुआ कि कितनी बड़ी नदानी कर रही। सोमिया के अदन से शादी हुई तो उसने खुद को समझा लिया कि हातिम उसके नसीब में नहीं था, लेकिन राहिला वो नुमान की मोहब्बत पाकर भी को ये नहीं समझा पाई कि हातिम उसका नहीं है। यकीन करें भाभी, राहिला ने हमेशा नुमान की तारीफ की है। मैं तो बहुत खुश थी कि वो भी नुमान से मोहब्बत करने लगी। उसने हातिम से इंतकाम जरूर लिया है सिर्फ अपनी नफरत में। शायस्ता मुझे वजाहत क्यों दे रही है, मुझे अंदाजा है और मेरी बहू ने चाहे जो कुछ किया शर्मिंदा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो आइंदा कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी। तो फिर नुमान से कहना उसको घर वापस ले आए, नहीं तो रो रो के या तो वो मर जाएगी या मैं नहीं रोऊंगी। शास्ता नुमान मेरी कभी कोई बात नहीं टालेंगे, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि उन्होंने मेरी बात ना मानने की कोई कसम खा रखी और अब तो किसी की भी बात नहीं मान रहे। क्या बुक, आप तो कह रही थी कि मेरा इंतजार कर रही है,
से तो मुझे देखते ही रोना शुरू कर। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हें लेने आया हूँ, छोड़ के कैसे जाऊँ? चलोगी मेरे साथ? मैंने तुमसे कहा था ना, जिस दिन नुमान ने तुम्हें माफ कर दिया था, वल्लभ भी तुम्हें माफ कर देगा। जाओ अपने घर।